दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका 10 तारीख को मॉर्निंग सेशन में जो इंग्लिश पेपर वन का एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए कुछ प्रश्नों का हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन थे जो हम अपने वीडियो में कवर किए थे और आपको मिला था। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका दोस्तों कि सोनेट को इंग्लिश में किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, आप जानते हैं कि थॉमस वेट। सोनेट कितने लाइन का होता है, इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था, यह 14 लाइन का होता है दोस्तों। उसके बाद है कि जो आपका एक चैप्टर था कि सोनलमान सिंह क्या थे, तो वह एक डांसर थी जिसको मैंने टीच किया था, पढ़ाया था। उसके बाद स्केलिंग ग्रेट हाइट का रचनाकार कौन थे, तो संतोष यादव, इसको भी हमने एक्सप्लेन किया था। और जो आपके एक नाइन्थ क्लास से जो पांडव वाला सवाल था जिसमें था कि आपका याति किसके वंशज थे, तो आपका पांडव था। तो इसको भी दोस्तों हम लोग कवर किए थे अपने वीडियो में। उसके बाद जो आपका धर्म युद्धा है उसमें किसकी कहानी है, तो उसमें कहानी आपकी पद्मा की थी जो एक यंग गर्ल थी। इसी चैप्टर से दोस्तों एक और सवाल था कि व्हाट द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन इज द आइडेंटिटी ऑफ कुछ करके था, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों ह्यूमन रेस। और इसके बाद एक क्वेश्चन था कि जो आपके जॉन डॉन है वो किस एज से संबंधित है, तो दोस्तों ये होगा आपका एलिजाबेथ। उसके बाद दोस्तों एक प्रेपोजिशन आया था फेवर ऑफ, तो वहाँ पे आपका इन द फेवर ऑफ हो जाएगा। फिर था दोस्तों कि रेप ऑफ लॉक के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों आप लोग नाइन्थ टेंथ के बुक में जरूर पढ़े होंगे। तो रेप ऑफ लॉक के जो रचनाकार थे वह थे आपके एलेक्जेंडर पोप, याद रखिएगा एलेक्जेंडर पोप। फिर दोस्तों एक सवाल था कि किस राइटर की मृत्यु ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी, तो ये 12th के पोएम में हमने कवर किया है, जॉन केट्स। एक और कोट्स था कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इसको कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों इसको लिया गया है इंडोमियन से, जो आपको हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कंप्लीट किए थे। उसके बाद दोस्तों एक डेफिनेशन ऑफ पोएट्री था जो आपका जैसे पोएट्री का क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ करके कुछ था, ये था आपका मैथ्यू आर्नोल्ड का। फिर था दोस्तों आपका एक जैसे मार्था से आया था कि वह गाना गाती थी, हेजल ग्लीन होगा वहां पे आपका हेजल ग्लीन। उसके बाद था दोस्तों कि इफ के रचनाकार कौन है, तो इफ आपका हो जाएगा वहां पे किपलिंग। फिर आया था दोस्तों नेचर, जैसे नेचर को व्हाट्सएप किस रूप में देखते थे, तो वह टीचर के रूप में देखते थे, और प्रिस्ट ऑफ नेचर तो हम व्हाट्सएप को ही बोलेंगे। अब एक वर्ड आया था दोस्तों आपके एग्जाम में कि लेक जो वर्ड है वह किस राइटर से संबंधित है, तो लेक हो जाएगा आपका वर्ड्सवर्थ से संबंधित। फिर एक रचना आया था दोस्तों कि अनटचेबल के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों जो हम प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराए थे उसमें अधिकांश सवाल आपको मिले होंगे, अनटचेबल मुल्क राज आनंद। दोस्तों हमने 11th का पोएम पढ़ाया था आपको, जैसे एक रविन्द्रनाथ टैगोर का है, तो उसमें से एक लाइन पूछा था जैसे लेट हाई करके कुछ था एग्जैक्ट लाइन। उसके अलावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट से भी पूछा था, तो जो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर से जो लाइन आया था जैसे वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इन टू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, दोस्तों ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर का था। उसके अलावा दोस्तों एक और सवाल था जैसे इसमें से कौन सा ट्रेजी नहीं है करके कोई सवाल था जिसमें आपका टेम्पेस्ट आंसर होगा। अब दोस्तों ड्रामा का सबसे बेस्ट काल किसे मानते हैं, तो एक ये सवाल था जो आपका एलिजाबेथन एज होगा। फिर सवाल था एक और लाइन से ही, मतलब चैप्टर के लाइन से लिया गया था जो आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट का लाइन था कि जिसमें जंगल के बारे में बोला गया है, वो लाइन था आपका
कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये आपका दोस्तों वहाँ पे होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट आंसर होगा। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन था जो 11th से ही आपका था कि डब्ल्यू बी एड्स विलियम बटलर येट्स कहाँ के पोइट थे। तो दोस्तों ऑप्शन में आपको आयरिश मिला होगा, दोस्तों वह एक आयरिश पोइट थे। फिर एक सवाल जो आपका था विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम थी थ्री इयर्स यू ग्रो करके कुछ चैप्टर है वो आपका, जिसमें उसने मतलब एक लूसी की जो वहाँ पे वो फाउन के लूसी पोएम उसको हम बोलते हैं, तो उसमें वो कंपेरिजन करते हैं, तुलना करते हैं आसमान में तारों से स्टार्स होगा। तो ये भी एक सवाल था। फिर एक सवाल दोस्तों जो आपके 12th के पोइट 12th में हम कवर किए थे टी एस इलियट से, जैसे वास्टलैंड किसकी रचना है, तो आपका ये हो जाएगा टी एस इलियट। उसके अलावा दोस्तों आप 9th में पढ़े होंगे कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसकी है, तो ये आपका हो जाएगा जॉन मिल्टन। फिर आया था कि ओड ऑन सोलिट्यूड किसकी रचना है, तो विलियम काउफर। और द डेफोडिल्स किसकी रचना है, वर्ड्सवर्थ। उसके बाद दोस्तों ग्रामर से भी कुछ सवाल आए थे जो वेरी सिंपल थे। उसके बाद एक वर्ड जो आया था आपका जैसे ट्रांसपेरेंट का अपोजिट क्या होगा, ओपेक हो जाएगा। वहां पे एक और दोस्तों आपको याद होगा एक सवाल था कि अ मैन हु ट्रेवल्स रिलीजियस प्लेसेस करके कोई सवाल था, तो वहां पे आपका हो जाएगा पिलग्रिम्स। फिर एक वर्ड पैशनेट का अपोजिट पूछा था दोस्तों, वहाँ पे हो जाएगा आपका मर्सीलेस। फिर आपका एक सवाल था कि जो जॉन मिल्टन साहब थे, तो वो अपनी एक रचना जो उनकी पैराडाइज लॉस्ट थी, तो उसको किस स्टेज में रचना किए थे, खासकर तो उनके ब्लाइंडनेस से संबंधित था कि जैसे वो अंधा हो रहे थे कि कम्प्लीटली अंधा हो चुके थे या एक आंखों से अंधा थे। तो दोस्तों वो कम्प्लीटली अंधा हो चुके थे, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और एक लाइन था कि हर टीयर स्कार्स और रिवर, जो एक लाइन आपका आया था इसके जो उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो होगा आपका विद्यापति। फिर एक सवाल था आपका कि पॉलिथिन बैग के रचनाकार है कौन है, तो दुर्गा प्रसाद पांडा होगा। और उसके अलावा फिर एक सवाल था कि शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, 1564 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ सवाल थे जो बहुत ही मतलब क्या है टॉप लेवल के थे, कुछ सिंपल थे। आफ्टर ऑल यदि कहा जाए तो पेपर ठीक था। हाँ, इसमें थोड़ा सा ग्रामर पर्सन को दोस्तों और भी पूछना चाहिए था, जैसे इसमें यदि क्लॉज होता एक पैसेज होता, तो जो लड़के थोड़ा ज़्यादा डीप नॉलेज लिए थे इंग्लिश ग्रामर की इंग्लिश लिटरेचर की, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होता, क्योंकि जो लिटरेचर है तो लिटरेचर थोड़ा सा उसका स्टैंडर्ड ज़्यादा था। लेकिन यदि पैसेज एक आया होता, क्लॉज आया होता, तो जिन बच्चों का नॉलेज अच्छा था, जो लोग मेहनत किए थे, उनको ज़्यादा फायदा होता। लेकिन आफ्टर ऑल कहे तो क्वेश्चन को आप न तो इजी बोल सकते हैं, न ही टॉप बोल सकते टॉप तो बोल सकते हैं, इजी नहीं बोल सकते हैं। मीडियम लेवल का कुछ मॉडरेट था और कुछ डिफिकल्टी लेवल के भी सवाल थे जो आपका नेट GRF को टच कर रहा था। मतलब कहा जाए तो जो आपकी एग्ज़ाम इसके पहले जनवरी में हुई थी उसमें और इसमें, बस इसमें है कि आपको कुछ ऐसे सवाल दिखाई दिए जो आप जानते थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी सवाल थे जो आप मतलब उसको बनाना बहुत मुश्किल था। यदि आप जब तक आप नेट GRF का तैयारी नहीं किए होंगे तो उसको आप नहीं टच कर पाएंगे। बहुत ऐसे सवाल थे जो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के थे। हाँ, इस पेपर की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें आपका जो था पेडागॉजी का पोर्शन था या रीजनिंग था, मैथमेटिक्स था, वो अच्छा था। लेकिन इंग्लिश वाले बच्चों का मैथमेटिक्स रीजनिंग दोनों अच्छा होना मुश्किल होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका अच्छा होता है। फिर भी कहा जाए तो पेपर जो कंपल्सरी पेपर था जो आपका 50 मार्क्स का था वो बहुत ही अच्छा था। इसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे पिछले वाले पहले वाले पेपर की तुलना में जो आपकी जनवरी फरवरी में हुई थी। तो आफ्टर ऑल कहा जाए तो पेपर अच्छा था, स्कोरिंग सेम ही जाएगा। आगे
देखिए अब क्या होता है, अब यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि अच्छा से आप पेपर कंडक्ट हो, कोई केस नहीं हो और रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।